पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर कोई 8 बिलियन डॉलर का इन्होंने अब कर्ज अदा करने हैं जो पिछले कई सालों से हुकूमत करती आ रही केपी के अंदर। जी तो सिराजुल हक साहब ने वहाँ पे डेट फ्री उसे सूबा बनाया केपी को। जी जी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर नेक नीति से दयानतदारी से काम किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क को ऐसा बजट दिया जा सकता है और ऐसे इंटरेस्ट फ्री सोल्यूशन दिए जा सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसमें बड़ा एलिमेंट है कि आज जो पाकिस्तान का अलमी है कि 127 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ने कर्ज देना है। जमात इस्लामी उस कर्ज को खत्म करने के लिए या सूद को खत्म करने के लिए क्या इनिशिएटिव लेगी कि पाकिस्तान में सूद का खात्मा हो जाए? देखिए, इसमें जो है कि सूद को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तरीका तो ये है कि अपने अखराजात कम किए जाए ना। तो अखराजात हम कम करेंगे, हमारी करप्शन खत्म कम होगी, हमारी हमारे ये जो आपने ओवर हेड्स बनाए हुए हैं, ये प्रोटोकॉल जो दिए हुए हैं बड़े बड़े अफसरान को, जब देखो जब ये ख़त्म किए जाएंगे तो लाजमत एक्सपेंसिस कम होंगे। जब एक्सपेंसिस कम होंगे तो हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, हम इन्हीं ही वसायल के जरिए मुल्क पाकिस्तान को ईजिली चला सकते हैं। वो तो कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है।